हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए एक और नया इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपको ये टॉपिक में क्वेश्चन देते ही देते हैं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टॉपिक है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी टॉपिक है, आप ईजीली इसको समझ पाएंगे। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी उसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, कि उसे कैलकुलेट कैसे करना है फॉर्मूला। नेक्स्ट हम बताएंगे उस फॉर्मूले को एप्लीकेशन, उस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और एट लास्ट मैं आपको बताऊंगी कि वो प्रॉब्लमैटिक एरियाज, वो डिफिकल्ट एरियाज जो आप अपने एग्जामिनेशन में फेस करते हैं, क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती हैं, तो लास्ट में हम आपको वो चीज़ें बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। इट इज द क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड वेन एवर द मटीरियल आर टू बी परचेज, वेन एवर यू आर परचेजिंग समथिंग। जब भी हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो हमको कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर करना है, वो क्वांटिटी जो हम पहले से ही प्री डिसाइड कर लेते हैं कि आखिर हमें कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देना है। जब सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं हमें परचेज करना है, परचेज करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि आखिर हमें परचेज कितनी क्वांटिटी का करना है, तो दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो हमारे लिए इकोनॉमिक रहे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा सामान खरीद लिया उसके बाद हमारे वेयर हाउस में स्पेस ही नहीं है कि हम उसको रखें, या फिर वो सामान पड़े पड़े हमारा खराब हो गया। लेकिन हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि सामान हम कम खरीद रहे हैं और उसके बाद हमें बार 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 अपना ट्रेवलिंग कॉस्ट लगाकर सामान परचेज करने के लिए जाना पड़ रहा है। तो एक ऐसा लेवल हम ढूंढते हैं, या फिर एक ऐसा पर्टिकुलर क्वांटिटी हम ढूंढते हैं जहां पर हमें क्वांटिटी भी सही मिल जाए, सामान भी हमारा सही मिल जाए और हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा ना लगे। इट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट फेवरेबल क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड वेन एवर वी रिक्वायर्ड फ्रेश सप्लाईज। जब भी हमें फ्रेश सप्लाईज की ज़रूरत होती है, जब भी हमें फ्रेश मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो इट रिप्रेजेंट द मोस्ट फेवरेबल क्वांटिटी, की जो मोस्ट फेवरेबल क्वांटिटी है, द मोस्ट फेवरेबल क्वांटिटी का मीनिंग है यहाँ पे मोस्ट सूटेबल क्वांटिटी, जो आपको सूट करेगी कि आपको इतनी क्वांटिटी ही परचेज करनी है, वो होती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स मेंटेनिंग द मटीरियल एट ऑप्टिमम लेवल एंड एट मिनिमम कॉस्ट। यहाँ पे जो आपको मटीरियल मिलेगा, ये कॉन्ट्रीब्यूशन किस चीज़ में देता है, ये मेंटेन करता है मटीरियल को एट ऑप्टिमम लेवल, मींस आपको मोस्ट सेटिस्फाइंग मटीरियल मिलेगा एंड मिनिमम कॉस्ट, जो आपका कॉस्ट रहेगा वो कम से कम रहेगा और जो मटीरियल रहेगा सेटिस्फाइंग रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो मटीरियल है वो कम पड़ गया है, ऐसा नहीं है कि आपका मटीरियल पड़े पड़े खराब हो गया, सेटिस्फाइंग लेवल आपको मिलेगा, ऑप्टिमम लेवल का मटेरियल आपको मिलेगा, और कॉस्ट भी उसका कैसा रहेगा, कम से कम रहेगा। चलिए तो फॉर्मूला देखते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ट्वाइस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय सी एस, ट्वाइस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय सी एस। अब ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, एस क्या है। ए इज एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन मीन्स ईयरली, एनुअली आपने कितनी कंजम्पशन करी है। एनुअल कंजम्पशन ये जो आपकी होती है ये यूनिट्स में होती है, मीन्स कितना यूनिट आपने कंज्यूम करा है, हाउ मच यूनिट यू हैव कंज्यूम। नेक्स्ट बी, बी इज व्हाट, बाइंग कॉस्ट, जो आपकी बाइंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, जो आपने बाय किया है, परचेज किया है, जो आपने ऑर्डर किया है, उसकी कॉस्ट पर ऑर्डर के हिसाब से देखी जाएगी कि एक ऑर्डर की कॉस्ट आपकी कितनी है। सी नेक्स्ट है आपका कॉस्ट पर यूनिट, जो भी आप मटेरियल परचेज करें, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल कर लीजिए, ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल आप परचेज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, उसकी एक यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है। नेक्स्ट आता है आपका एस, ये जो एस है ये क्या डिनोट करता है, स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ एवरेज स्टॉक। ये एस डिनोट करता है स्टोरेज कॉस्ट, जो आपकी स्टोर करने की कॉस्ट होगी, जो भी आप मटेरियल लेकर आए हैं आप उसको स्टोर करेंगे तो स्टोर करने की जो कॉस्ट होगी, और ये एवरेज स्टॉक का परसेंटेज होता है। और सी एस अगर आपका एक साथ दिखे तो सी एस कैसे होगा, स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट की, पर एनम की स्टोरेज कॉस्ट कितनी है, मतलब एक यूनिट अगर आप स्टोर करना चाहते हैं, एक यूनिट को स्टोर करने में एक साल में कितना पैसा लगेगा। चलिए तो फॉर्मूले के बाद क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में मंथली यूसेज 250 यूनिट्स है, कैरिंग कॉस्ट 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू,
कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग वन ऑर्डर आपको 30 रुपीज़ दिया है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट आपको ₹5 दिया है, और आपको फाइंड आउट करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला आपको बताया था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ट्वाइस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय सी एस। अब यहाँ पे ए बी सी एस ये सब आपको पता है। ए क्या होता है, ए होती है आपकी एनुअल कंजम्पशन, जो एनुअली कंजम्पशन होती है। अब यहाँ पे अगर हम कंजम्पशन देखें तो यहाँ पे हमको मंथली यूसेज दिया हुआ है, यहाँ पे हमको एनुअल कंजम्पशन नहीं दिया हुआ है। तो इस मंथली कंजम्पशन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, एनुअल कंजम्पशन में। तो मंथली कंजम्पशन आपकी 250 यूनिट्स है, मंथली कंजम्पशन 250 यूनिट्स है, तो इस मंथली कंजम्पशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। मल्टीप्लाई करते ही 12 से ये आपका ईयरली कंजम्पशन हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2500 3000, तो ये आ गया आपका 3000। तो मंथली कंजम्पशन आपकी कितनी आ गई, 3000 आपकी मंथली कंजम्पशन आ गई है। उसके बाद ए के बाद हम बी देखते हैं। बी जो होता है आपका बाइंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है। बाइंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे देखें तो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग ऑर्डर, तो कॉस्ट एंड प्लेसिंग एंड रिसीविंग ऑर्डर कितना है, ₹30। उसके बाद सी, सी जो होता है हमारा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल होता है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट होता है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट आपको ₹5 यहाँ पर गिवन है। उसके बाद हमें जो चाहिए वो है एस, और एस आपका होता है स्टोरेज और कैरिंग कॉस्ट होता है एज अ परसेंटेज ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। तो कैरिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ एवरेज इन्वेंट्री परसेंटेज है एवरेज इन्वेंट्री का कैरिंग कॉस्ट, तो ये है आपका 10%। फॉर्मूले में इसको हम पुट कर देते हैं ट्वाइस ऑफ ए बी, ए आपने निकाला 3000 मल्टीप्लाइड बाय बी जो है वो हमारा 30 है, उसके बाद डिवाइडेड बाय सी, सी इज वर्ड 5 एंड 10% परसेंटेज। ये डिनोमिनेटर आपका ऊपर चला जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो ट्वाइस इंटू 3000 मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में 50। इसको सॉल्व करते ही आपका आएगा 36, 1, 2, 3, 4। ये अंडर रूट में है 360,000, 360,000 को जब हम अंडर रूट हटाएंगे तो ये आएगा आपका 600 यूनिट्स। इसका मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारी आई है 600 यूनिट्स। चलिए, तो हमने एक मेथड देखा ईओक्यू निकालने का, वो फॉर्मूला बेस्ड था। अब हम जो मेथड देख रहे हैं वो टेबुलर मेथड है, मींस ईओक्यू को हम टेबल से भी निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन था वही जो हमने अभी फॉर्मूला बेस्ड किया था। तो टेबुलर मेथड में सबसे पहले हमने लिखा है एनुअल यूसेज, एनुअल कंजम्पशन, उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर कि एक ईयर में कितने ऑर्डर्स हमने किए थे, यूनिट पर ऑर्डर, उसके बाद वैल्यू पर ऑर्डर जो कि आपका 5 रुपीज़ यहाँ पे आपको गिवन है वैल्यू पर ऑर्डर, उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री हमको निकालनी है, उसके बाद कैरिंग कॉस्ट, उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, और उसके बाद टोटल कॉस्ट। ये जो टोटल कॉस्ट होती है सम होता है कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का। जब हम कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल के आती है। चलिए, एनुअल यूजेज एनुअल कंजम्पशन की बात करते हैं। तो यहाँ आपको हमने मंथली यूजेज दी हुई थी जिसको 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद एनुअल यूजेज आपकी आ गई थी 3000। तो एनुअल यूजेज आपकी है 3000। उसके बाद ऑर्डर्स जो हैं आपके पर ईयर के, देखिए ऑर्डर्स जो है पर ईयर के, अगर आप एक ऑर्डर करते हैं, अगर आप ऑर्डर को सिर्फ एक बार करते हैं तो आपका जो यूनिट्स पर ऑर्डर होगा वो पूरा 3000 रहेगा, कि आपने एक ही बारी में 3000 यूनिट्स पूरे के पूरे एक साथ मंगवा लिए हैं। यहाँ पे आपका यूनिट्स पर ऑर्डर कितना रहेगा, 3000, कि आपने एक ही ऑर्डर में 3000 यूनिट्स कंप्लीटली मंगवा लिए हैं। वैल्यू पर ऑर्डर जो कि आपका ₹5 है, वैल्यू पर ऑर्डर जो कि आपको क्वेश्चन में ₹5 गिवन है, अब हम निकालेंगे ये। तो वैल्यू पर ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, यूनिट्स पर ऑर्डर है, यूनिट्स पर ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 से। यूनिट्स पर ऑर्डर को 5 से मल्टीप्लाई करके जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है उससे वैल्यू पर ऑर्डर निकल जाएगी 3000 मल्टीप्लाइड बाय 5 आपका आ जाएगा 15000। ये आपका आ गया 15000।
अगर हमें एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू निकालनी है, एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए जो आपका वैल्यू पर ऑर्डर आया होगा, वैल्यू पर ऑर्डर को अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हैं, वैल्यू पर ऑर्डर को अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू आ जाएगी। देखिए 15,000 है, 15,000 को 2 से डिवाइड करके क्या आएगा, 15,000 को 2 से डिवाइड करके आएगा 7500। 7500 आपका क्या है, 7500 आपका एवरेज इन्वेंट्री है, एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू आपकी 7500 यहाँ पर आई है। चलिए कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं। कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, कैरिंग कॉस्ट जो है, जो कि आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे 10% है इन्वेंट्री वैल्यू का। तो जो एवरेज इन्वेंट्री है इसका 10% आपका कैरिंग कॉस्ट निकलेगा, 7500 का 10% आपका आएगा 750। तो ये रहा आपका 750 जो कि 10% है किसका, एवरेज इन्वेंट्री का, आपको क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹30, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹30 है। देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है ₹30 है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि हमने एक यूनिट मंगवाई है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी 30 आ जाएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट डिपेंड करती है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे कि हमने कितने ऑर्डर्स मंगाए हैं, अगर हमने 2 ऑर्डर्स मंगाए होते तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी 60 हो जाती। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 30 को आपको मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम से। जब आप 30 को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे निकल जाएगी, और टोटल कॉस्ट जो कि कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट का सम होता है, तो 750 में अगर आप 30 को प्लस कर देते हैं तो 780 यहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और ऐसे ही आपको सारे निकालने हैं। सपोज नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर आपके 2 हो जाते हैं तो यूनिट्स पर ऑर्डर जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे। सपोज आपने पहले एक ही बारी में मंगवा लिया था तो 3000 आपने पूरा एक साथ मंगवा लिया, अब आप 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करके मंगा रहे हैं तो आप इसको 1500 मंगाएंगे, 1500 एक बारी में और 1500 दूसरी बारी में, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है ये आपका। 2 ऑर्डर में मंगाएंगे तो यूनिट पर ऑर्डर भी आपका 1500 दो बार आएगा। उसके हिसाब से ये वैल्यू पर ऑर्डर जो कि ₹5 पर यूनिट है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1500 को 5 से मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 7500। एवरेज इन्वेंट्री हमें पता है, अगर वैल्यू पर ऑर्डर को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ जाती है। तो 7500 को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या आता है, 7500 को 2 से डिवाइड करने पे आपका आएगा 3750। अब कैरिंग कॉस्ट जो है वो 10% है इसका, तो इसका 10% तो आ जाएगा 375, इसका 10% आपका 375 आ गया है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 30 है, और अब जो हमारा ये 2 ऑर्डर्स में हमको फिनिश करना है तो हमने बताया था 30 को ट्वाइस ये जो आपका सेकंड वाला कॉलम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 × 2 ये आ जाएगा आपका 60। और जब हम 375 और 60 को प्लस करते हैं तो आपका आ जाता है 435, ये आपका आएगा 435। ऐसे ही हमको ये सारे कंप्लीट करने हैं, 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर, इसके बाद हम 3 ऑर्डर करेंगे, इसके बाद हम 4 ऑर्डर करेंगे, 5 करेंगे, ऐसे हम चलते रहेंगे। चलिए लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, हमको ये पूरा का पूरा एक साथ करना है। तो 3 अगर ऑर्डर करते हैं हम, 3 ऑर्डर करने में ये और ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा। अब 3000 यूनिट्स हमें 3 बार में मंगानी है तो 1000 करके हम इसको मंगवा सकते हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो 3000 यूनिट है इसको आप सेकंड कॉलम से डिवाइड कर दीजिए, मींस ये जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को डिवाइड करना है आपको सेकंड कॉलम से। जब आप फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से डिवाइड करेंगे तो आपका यूनिट पर ऑर्डर यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 1000 आ चुका है। अब यहाँ पे क्या, थर्ड कॉलम को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे आएगा आपका 5000। फोर्थ कॉलम को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 5000 को 2 से डिवाइड करते ही आपका आएगा 2500। अब यहाँ पर है 10% ऑफ फिफ्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम का 2500 आपको कैलकुलेट करना है, तो इसका 10% हमारा आएगा 250। अब 30 को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो सेकंड कॉलम आपका 3 है, 3 को 30 से मल्टीप्लाई करते ही आपका 90 आ गया है। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 + 7 तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा, तो इसको प्लस करते ही आपका आएगा 340। तो ऐसे ही हम, अब मैंने सारे फिल कर दिए हैं, मैं आपको एक साथ बता देती हूँ। अगर हम 4 पार्ट्स में मंगाते हैं तो आप फर्स्ट को 2 से डिवाइड कीजिए
3000 को 4 से डिवाइड कीजिए, 750 आएगा। उसके बाद जब आपने फोर्थ कॉलम निकालना है तो थर्ड कॉलम को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 750 को 5 से मल्टीप्लाई करके 3750 आ जाएगा आपका। एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए, वैल्यू ऑर्डर जो आपका रुपीज़ 5 है इसको, एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए जो आपका वैल्यू पर ऑर्डर आया है इसको 2 से डिवाइड कीजिए। तो आपने 3750 को 2 से डिवाइड करा, 1875 आया है। ऐसे ही कैरिंग कॉस्ट इसका 10%, 1875 का 10%, 188 आ गया है। ऐसे ही ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है आपका 30 मल्टीप्लाइड बाई कॉलम 2, तो 30 मल्टीप्लाइड बाई कॉलम 2 4320 आ गया है। और ऐसे ही टोटल कॉस्ट जो है इन दोनों को ऐड करके 308 आ गया है। जब हम फिफ्थ देखते हैं तो फिफ्थ में यूनिट्स पर ऑर्डर जो है आपका, जब आपने 3000 को 5 से डिवाइड किया तो 600 आ गया है। वैल्यू पर ऑर्डर जब आपने 600 को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 3000 आ गया है। एवरेज इन्वेंट्री 3000 को 2 से डिवाइड करने से 1500 आ गई है। कैरिंग कॉस्ट इसका 10%, 150 है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 150, एंड इन दोनों को टोटल करते ही 300 जो कि टोटल कॉस्ट आ गया है। सिक्स पार्ट्स में अगर मंगाते हैं तो यूनिट पर ऑर्डर 3000 डिवाइडेड बाय 6 आपका आया है 500। वैल्यू पर ऑर्डर आपकी आई है 500 मल्टीप्लाइड बाय 5 2500। एवरेज इन्वेंट्री आपकी आई है 2500 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 1250। ऐसे ही कैरिंग कॉस्ट आपका इसका 10% है, 125। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका 30 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम 6, तो आया आपका 180। एंड टोटल कॉस्ट आपका इन दोनों को ऐड करके 305। अब आपको देखना क्या है, देखिए हमने सेवन्थ और एट इसलिए नहीं करा है बिकॉज इट स्टार्ट इंक्रीजिंग। जब ये यहाँ से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है यहाँ से, तो इंक्रीज होने के बाद से आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको देखना क्या है कि ये लीस्ट, जब ये लीस्ट है, लीस्ट का मतलब कि किसके बाद ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। 300 सबसे कम है, 300 के बाद ये डिक्रीज नहीं हो रहा है, उसके बाद ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। और इसी लेवल पे, इस लेवल पे आपके कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है इक्वल है। तो आपको इन तीन बातों का बहुत मेन ध्यान रखना है कि कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है अब आपकी इक्वल होनी चाहिए, और जो टोटल कॉस्ट है उसके बाद ये इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जानी चाहिए, उसके बाद ये डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। तो जब आपकी टोटल कॉस्ट इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी और जब आपकी कैरिंग कॉस्ट, जब आपकी टोटल कॉस्ट इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी और जब आपकी कैरिंग कॉस्ट दोनों आपस में बराबर हो जाए, तो आपको समझ जाना है कि इसी लेवल पे आपको EOQ मिलने वाला है। ठीक है, तो EOQ यहाँ पर आपका ये आंसर रहेगा। इस लेवल पे आपको EOQ मिलेगा यूनिट्स पर ऑर्डर पे, मींस आपको कितने यूनिट्स ऑर्डर करना है, 600 यूनिट्स आपको ऑर्डर करना है, तो आपका EOQ यहाँ पे मिलेगा। देखिए, जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है वो आपको अचीव कब होती है, जब आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होगी या फिर कैरिंग कॉस्ट जो होगी वो इक्वल होगी। जब आपकी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल होती है तब आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अचीव होती है। तो यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इक्वल है, इसलिए हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अचीव हो चुकी है। और इसी के साथ हमारा जो EOQ है वो 600 यूनिट्स आ चुका है। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है, ये इंक्रीज हो जाए तो लीस्ट जो है आपको वहाँ पर देखना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आपकी इक्वल आनी चाहिए, तो EOQ आपका 600 आ जाएगा। चलिए, तो अब क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, हमने दोनों मेथड से क्वेश्चन कर दिया है। होपफुली आपको दोनों ही मेथड से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन होने के बाद हम डिफिकल्ट एरियाज देखते हैं। तो डिफिकल्ट एरियाज मेरे को यहाँ पे देखे तीन, सबसे पहले नेम चेंज देखते हैं। नेम चेंज तो हर में आपको, हर किसी में आपको डिफिकल्ट एरिया लगता ही है नेम चेंज, कभी कभी नाम जो है वो चेंज होके आ जाते हैं। देखिए, जैसे कि नाम चेंज होने में अगर हम EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करें, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को रीऑर्डर क्वांटिटी भी कहा जा सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या फिर रीऑर्डर क्वांटिटी, ये दोनों डिफरेंट है, बोथ आर सेम थिंग, दोनों ही सेम है। ऐसे ही कभी कभी बाइंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, बाइंग कॉस्ट हो या ऑर्डरिंग कॉस्ट हो, दोनों ही चीज़ें आपकी सेम है। बाइंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट ये दोनों भी सेम है। ऐसे ही आपका स्टोरेज, आपका स्टोरेज कॉस्ट हो
या फिर आपका कैरिंग कॉस्ट, ये दोनों भी आपका सेम होते हैं। तो आपको इन तीनों नामों में कंफ्यूज नहीं होना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो या रीऑर्डर क्वांटिटी हो, बाइंग कॉस्ट हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो, स्टोरेज कॉस्ट हो, कैरिंग कॉस्ट हो, ये सब सेम है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला कन्फ्यूजन। क्या होता है, फॉर्मूले में कन्फ्यूजन हो जाती है, जैसे कि हमने देखा था एस, एस जो है, एस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टोरेज और कैरिंग कॉस्ट। एस का फॉर्मूला होता है स्टोरेज और कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज और कैरिंग कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, एज परसेंटेज ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। तो इसकी जगह पे कभी कभी हमको दिया जा सकता है स्टोरेज और कैरिंग कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। तो आपको इन दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एज परसेंटेज ऑफ एवरेज इन्वेंट्री हो या एज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट हो, बोथ आर सेम थिंग, दोनों सेम थिंग है। और उसके बाद लास्ट आता है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन। कभी कभी हम क्वेश्चन में बहुत सारी मिसलीडिंग थिंग्स देख लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाती है। क्वेश्चन में 2019 के पेपर में ऐसा हुआ था कि आपको दो कॉस्ट दी हुई थी, एक करंटली परचेज दिया हुआ था और एक दिया हुआ था आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो आपको या तो बाइंग कॉस्ट लिखा हो या ऑर्डरिंग कॉस्ट लिखा हो, सिर्फ उन्हीं दोनों चीज़ों पर फोकस करना है, आपको किसी और तीसरी चीज़ पर फोकस नहीं करना है, चाहे वो करंटली परचेज हो, चाहे वो रिसेंटली परचेज हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपको उन पर फोकस नहीं करना है। फोकस आपको सिर्फ दो ही चीज़ों पर करना है, बाइंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट। जहाँ पर भी आपको बाइंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हो, फॉर्मूले में आपको उसी कॉस्ट को कंसीडर करना है, किसी और कॉस्ट को कंसीडर नहीं करना है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक अब ख़त्म हो चुका है। इसमें और कोई डिफ़िकल्टी मुझे दिखी नहीं कि और किसी एरिया में किसी बच्चे को उस डिफ़िकल्टी हो, तो यही था जितना उसमें डिफ़िकल्टी थी। तो आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपके लिए फ़र्दर भी ऐसी शॉर्ट वीडियोज़ लाती रहूँगी ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेरीज हो, मैं सॉल्व कर सकूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे आपके लिए फॉर श्योर लेकर आऊंगी। थैंक यू।